हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शशांक तिवारी एंड दिस इज माय अदर वीडियो। सो गाइस, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज दूंगा यूट्यूब के एक मोनेटाइजेशन वाले फीचर को लेके। दोस्तों, आपके पास बहुत से ऐसे चैनल आपने देखे होंगे जिसमें 1000 सब्सक्राइबर नहीं है बट वहाँ पे एड्स रन होते हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या उनका चैनल मोनेटाइज रहता है? ये एक बहुत ही बड़ा डाउट रहता है, क्योंकि मैंने भी कुछ ऐसे चैनल्स देखे हैं जिसमें 1000 सब्सक्राइबर तो आप छोड़ो, 100 सब्सक्राइबर के अप्रॉक्स अगर रहता है तब भी एड्स रन होता है। तो उसका रीज़न क्या है वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी लग रहा है कि 1000 सब्सक्राइबर के बिना मोनेटाइजेशन आप यूट्यूब देने लगा है, तो इसकी सच्चाई क्या है वो सब कुछ आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, यहाँ पे लोगों को डाउट क्या लगता है कि अगर कोई भी चैनल वो देखते हैं और उसमें अगर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं है और अगर उनके वीडियो पे एड्स आ गया, तो लोगों को लगता है कि ये यूट्यूब का कुछ अपडेट तो नहीं हुआ जिसके कारण से हम लोग बिना 1000 सब्सक्राइबर के ही अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ऐसा कोई यूट्यूब का रूल नहीं है। यूट्यूब में अगर आपको एड्स रन कराना है, अगर आपको अर्निंग करनी है, तो आपको एक जो क्राइटेरिया जो वेल नोन है, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम इन लास्ट 12 मंथ, ये आपको बीट करना ही पड़ेगा। अगर आप ये माइलस्टोन को कंप्लीट नहीं करते हो दोस्तों, तो आपके चैनल पे एड्स रन नहीं होंगे और आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं होगा। ये एक दोस्तों क्लियर कट स्टेटमेंट है जिसमें मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी कि आप बिना 1000 सब्सक्राइबर के या वॉच टाइम के मोनेटाइजेशन फीचर नहीं ले सकते हो। तो सबसे पहले अब बात ये कर लेते हैं कि अगर 1000 सब्सक्राइबर के बिना मोनेटाइज नहीं हो सकता, तो जिसके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर नहीं है उनके चैनल पे एड्स क्यों आता है? तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो एड्स रन होता है वो उनके वीडियो पे रन होता है, बट उसके पीछे एक दोस्तों बहुत ही बड़ा रीज़न है, और वो रीज़न क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे जो वीडियो पे एड्स आते हैं वो पूरा का पूरा फंडा होता है कॉपीराइट क्लेम का। यस दोस्तों, अभी हाल ही में ही मेरे चैनल पे एक वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया था, उसके हेल्प से शायद आप ये चीज़ और इजी समझ जाओ। दोस्तों, यहाँ पे कोई भी वीडियो है, अगर आप उस वीडियो में किसी और का कंटेंट यूज़ करते हो या कुछ भी यूज़ करते हो, और अगर आपको वो बंदा क्लेम देता है, कॉपीराइट क्लेम अगर आपके पास आता है, तो उसके बाद आपका जो वीडियो होता है वो आपका नहीं रहता है। उसके बाद अगर उस पर एड्स आते हैं तो वो ऐड जो होता है वो उस बंदे के कॉपीराइटेड मटेरियल के कारण आते हैं, क्योंकि उस बंदे का अगर चैनल मोनेटाइज होगा तो अगर इसका कॉपीराइट मटेरियल आपकी वीडियो में है तो इसमें भी एड्स रन होगा और इस एड्स का जो पैसा है वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जो कॉपीराइट क्लेम जिसने दिया है उसका हक बनता है, उसको इसका रेवेन्यू मिलेगा। जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा इस वीडियो के कारण, उसका दोस्तों जो अर्निंग होगा वो अर्निंग जो रियल बंदा है, जो मतलब जिसने कॉपीराइट क्लेम दिया है, जेन्युइन क्रिएटर, उसको सारी अर्निंग मिलेगी। इसको दोस्तों मैं आपको और इन डिटेल बताने का ट्राई करता हूँ। जैसे कि आपने किसी टी सीरीज के सॉन्ग को अपने चैनल पे एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक या यूज़ किया है, तो उस वीडियो के कारण, मतलब उस वीडियो में जो म्यूज़िक आपने यूज़ की, जो सॉन्ग टी सीरीज़ का यूज़ किया, तो टी सीरीज़ अगर आपको कॉपीराइट क्लेम देगा तो उस कॉपीराइट क्लेम के कारण आपका जो कंटेंट है वो पूरी तरीके से आपका नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसमें टी सीरीज़ का भी कॉपीराइटेड मटेरियल है। तो टी सीरीज़ जब उस पर क्लेम आ जाएगा तो दोस्तों उसके बाद आपके उस वीडियो पे एड्स रन होगा, और वो जो एड्स रन होगा वो आपके वीडियो या आपके चैनल के कारण नहीं होगा, वो एड्स रन होगा उस टी सीरीज़ के सॉन्ग के कारण, और उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसका जो रियल राइट रहेगा वो टी सीरीज़ के पास रहेगा। तो उसका जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो टी सीरीज़ को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे वो जो चैनल, वो जो वीडियो मोनेटाइज हुआ, वो वीडियो पे एड्स रन हुए उस सॉन्ग के कारण हुए, ना कि आपके चैनल के कारण। तो यहाँ पे दोस्तों क्लियर कट यही एक बात रहती है, कॉपीराइट क्लेम के कारण ही आपके वीडियो पे एड्स आ जाते हैं तो आपको लगता है, या किसी और के चैनल पे एड्स आ गया तो आपको लगता है उसका चैनल विदाउट 1000 सब्सक्राइबर मोनेटाइज कैसे हुआ। तो जो उसका चैनल मोनेटाइज नहीं होता, उस पर्टिकुलर वीडियो पे एड्स रन कराता है यूट्यूब, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्लियर कट फंडा यही है कि अगर किसी वीडियो पे एड्स रन होते हैं तो उससे यूट्यूब को भी फ़ायदा होता है और उस रियल क्रिएटर को भी फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे यूट्यूब उस वीडियो पे भी एड्स रन करा देता है, जबकि इससे आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होता, और एक तरह से आपका नुकसान भी है, क्योंकि पूरा वीडियो आपका है बट एक छोटे से कॉपीराइटेड मटेरियल के कारण आपका जो रेवेन्यू है वो किसी और को मिल जाता है। तो मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी कॉन्टेंट क्रिएट करो वो अपने चैनल पर जेन्युइन करो, जैसे आप जो भी मेहनत कर रहे हो उसका रेवेन्यू आपको ही मिले। और दोस्तों, हाल ही में यही एक
चीज़ हुई थी मेरे साथ भी, जो मेरा फोल्डिंग नाइफ वाला वीडियो था उसमें कॉपीराइट क्लेम आ गया था, उसके कारण से उसमें जो भी अब एड्स रन हो रहे हैं उसका अमाउंट मुझे नहीं मिल रहा है, उस एड्स से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो उस क्रिएटर को मिल रहा है जिसने मुझे क्लेम दिया है, तो उसको भी मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पे क्लियर कर लूँगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा। वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे एंड यूजफुल वीडियोज़ अपने चैनल पर लाते रहता हूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।